नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम आपको पटना में बने इस्कॉन मंदिर की सैर कराएंगे। पटना के बुद्ध मार्ग में 100 करोड़ की लागत से तैयार यह इस्कॉन मंदिर करीब 2 एकड़ में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर करीब 10 साल में बनकर तैयार हुआ है। 2007 में पटना इस्कॉन मंदिर का भूमि पूजन हुआ था और 2010 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। इसी महीने इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। पटना के इस इस्कॉन मंदिर की खासियत इसकी बनावट है। इसका निर्माण प्रसिद्ध ऐतिहासिक द्वारिकाधीश मंदिर के तर्ज पर 84 खंभों पर किया गया है। 108 फीट ऊंचे इस मंदिर में 84 खंभे हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई भी 84 फीट है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक साथ 5000 लोगों के दर्शन एवं पूजन करने की व्यवस्था की गई है। मथुरा और गुजरात के बाद पटना में बना इस्कॉन मंदिर देश का तीसरा मंदिर है, जिसमें 84 खंभा पुरातन तकनीक का प्रयोग किया गया है। पूरे इस्कॉन मंदिर का निर्माण ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के वंशज के द्वारा किया गया है। मंदिर में लगाया गया संगमरमर विश्व प्रसिद्ध उसी मरकाना का है, जिससे ताजमहल का निर्माण हुआ था। इस मंदिर में प्रेक्षागृह, गोविंदा रेस्टोरेंट और अतिथिशाला का भी निर्माण किया गया है। भगवान के सभागार के साथ 3 और सभागार हैं, जहां एक साथ हजारों लोग इकट्ठा हो सकते हैं। श्री राधा बांके बिहारी जी के मंदिर को सेमी अंडरग्राउंड पर बनाया गया है, जिसमें एक भक्ति कला क्षेत्र है। पहले तल्ले पर प्रसादम हॉल है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे तल्ले पर मुख्य मंदिर है, जिसमें 3 दरबार बनाए गए हैं, राम दरबार, कृष्ण दरबार और चैतन्य महाप्रभु का दरबार। मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही लगातार भक्तों की भीड़ इस मंदिर में उमड़ रही है। पटना के इस इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के लिए 2 टाइम निर्धारित किए गए हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक मंदिर में प्रवेश की इजाज़त है। इसके अलावा शाम में 4:30 बजे से 8:45 तक लोग मंदिर में दर्शन कर सकते हैं।
मंदिर में शाम 7 बजे से आरती की जाती है। उस समय भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। अगर आप भी पटना आ रहे हैं तो इस्कॉन मंदिर घूमना ना भूलें। इस्कॉन मंदिर पटना जंक्शन से सटे बुद्ध मार्ग में स्थित है। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।